जय श्री सीताराम सर, ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए जिससे कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए जिससे कि पॉलिटिक्स में हम जा सके, वहां पर हमें सफलता मिले, टिकट मिल जाए, या फिर हम फेमस हो जाए, हमें जीत मिल जाए। कोई भी व्यक्ति हो, इवन बच्चा ही क्यों ना हो, हर किसी को तारीफ पसंद है। यदि कोई व्यक्ति समझदार है, उसकी कुछ भी उम्र है, लेकिन वो समझदार है, तो उसको नाम पसंद है, फेम पसंद है, उसे प्रतिष्ठा पसंद है, सम्मान पसंद है, मान पसंद है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये कौन देता है, कौन देता है, कहाँ से आती है? तो देखिए, दो चीजों के बारे में मैं बात करता हूं। एक है ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, और एक है वास्तु शास्त्र। हाँ, तो जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो सूर्य देवता इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर जब हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, तो पूर्व दिशा इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि सूर्य देवता कुंडली में अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो इन सब चीजों के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई, किसी की कुंडली में सूर्य देवता बहुत अच्छे, बड़े मजबूत बैठे हुए हैं, हाँ, उच्च राशि के आकर के बढ़ गए, लगन स्थान पर उच्च राशि के बढ़ गए, अरे वाह जी वाह, क्या कहते हैं, वो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? लेकिन लेकिन भाई, जरूरी थोड़ा है कि हर किसी की कुंडली में सूर्य देवता अच्छे ही हो। किसी की यदि कुंडली कुंभ लगन की है, मकर लगन की है, तो ऐसी कुंडली में तो हमेशा सूर्य देवता मारक रहने वाले हैं, फिर क्या होगा भाई, उसकी तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर इसको वास्तु में देखें, तो वास्तु में कैसे देखेंगे, हालांकि कुंडली में भी और भी ऐसे योग होते हैं जिसमें गुरु बृहस्पति को देखा जाता है, मंगल को देखा जाता है, दशाओं को देखा जाता है, और भी चीजें होती हैं। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में बैठे सूर्य को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। तो हम सिर्फ सूर्य और पूर्व दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान के चले कि आपके सूर्य को मजबूत करना है, प्रसन्न करना है, आपके सूर्य से वो सारे फल लेना है जो फल सूर्य देवता देते हैं, और कुंडली में वो सूर्य देवता खराब बैठे हुए हैं, हाँ, तो फिर हम वास्तु का सहारा भी लेते हैं। और वास्तु का सहारा जब हम लेते हैं, तो उसमें हम पूर्व दिशा को देखते हैं। आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी दुकान। जब मैं कहता हूं आपका ऑफिस, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप उस जगह के मालिक हैं, आप नौकरी करते हैं, तो मैं आपका ऑफिस नहीं कह रहा है ना। तो हम पूर्व दिशा को जब खुली कर देते हैं, देखिए, वास्तु शास्त्र का एक बहुत बहुत सिंपल सा, बड़ा आसान सा एक नियम है। वो नियम ये है कि जो पूर्व दिशा होती है, एग्जैक्ट पूर्व, वहां से लेकर के आप नॉर्थ तक जाइए, एग्जैक्ट नॉर्थ, वो जो दिशा बनी, ये जो दिशा बनी, या फिर ये जो एरिया बना, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, ये जो बना, ये एरिया जो है हमेशा हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये वास्तु शास्त्र का एक बहुत सामान्य सा नियम है। जो वास्तु शास्त्र पढ़ना शुरू करता है, शुरुआत में उसे चीज सिखाई जाती है। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहले फॉलो करना है कि आपका जो घर है, सूर्य देवता कुंडली में कैसे मजबूत हो, कैसे अच्छे फल दें, या सूर्य देवता कैसे अच्छे फल मिले, तो उसके लिए आपके घर में ये देखिए कि एग्जैक्टली जो ईस्ट डायरेक्शन है, जो पूर्व दिशा है, क्या वो भारी तो नहीं है? क्या वहां पर कोई स्टोर रूम जैसा तो नहीं बना हुआ है? क्या वहां पर भारी भारी सोफे, पलंग, या फिर कोई जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रीज, ऐसे कोई भारी भारी चीजें तो नहीं रखी हुई है? यदि कुछ भार है वहां पर, वो भार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा मतलब स्टोर रूम हो सकता है, कबाड़ा चीजें सब आप वहां पर जाकर के डाल देते हैं, जो भी चीजें, जैसे कूलर जो है पुराना हो गया, या फिर अब ठंड गर्मी चली गई, अब कूलर को साल भर कहाँ रखना है, तो वहीं पर जाकर के पटक देते हैं कूलर को। तो ऐसी कोई चीज जो आपका स्टोर रूम है, यदि ईस्ट में होगा, पूर्व में होगा, भारी भरकम पूर्व होगा, तो आपका संपर्क कभी गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट तो छोड़िए, आपके आसपास के लोगों से भी आपका संपर्क टूट जाएगा, या आपके मन में ये जरूर एक खलल, एक शिकायत रहने वाली है कि भाई लोग जो है हमें पसंद नहीं करते, या लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, या लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, या कम्युनिटी में हम जा नहीं पा रहे, हम अलग हो गए हैं, हम परिवार से अलग हो गए या कम्युनिटी से अलग हो गए। तो
तो सबसे पहले तो नेटवर्क से, कम्युनिटी से जुड़िए, सरकार से जुड़ना तो सेकंड है, लेकिन उसको जुड़ने के लिए आपको इसको हल्का करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अब हल्का और खाली कर दिया, अब चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी हमको और भी चीजें देखनी है, और चीजें देखनी है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है कोई गंदगी तो नहीं है। अब आप बोले नहीं छोटा सा डस्टबिन रखा, कोई भार नहीं है उसमें, गलत बात हो गई। वहां पर टॉयलेट बना हुआ है, हाँ बिल्कुल गलत बात हो गई, बिल्कुल ईस्ट में, एग्जैक्टली ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, एग्जैक्टली ईस्ट में आप छोटा सा भरी डस्टबिन रखते हैं, वहां जूता चप्पल छोड़ने का स्टैंड रखा हुआ है हमने, वहां हर घर का हर सदस्य वहीं जाकर जूता चप्पल छोड़ता है, बिल्कुल गलत बात है। वहां पर भार नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गंदगी भी नहीं होना चाहिए। जूता चप्पल टॉयलेट डस्टबिन हम गंदगी बोलते हैं, है ना, तो ये एक बात हो गई गंदगी ना हो। अगली और बात कि उस दिशा में यदि सूर्य देव का प्रकाश आता है तो ये सर्वोत्तम है। देखिए अब आप ये कह सकते हैं इसकी जगह कि हमारा तो पश्चिम मुखी घर है, हमारा तो उत्तर या फिर दक्षिण मुखी घर है, तो फिर कैसे सूर्य देव का प्रकाश आएगा, पूर्व मुखी में चलो आ सकता है। देखिए एक वेंटिलेशन होता है ना घर में, छतों पर वेंटिलेशन दिया जाता है, तो वेंटिलेशन यदि वहां पर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। फ्लैट्स में वो जगह खुली होती है कई बार, बालकनी होती है, नई बालकनी तो खिड़की होती है कई बार पूर्व दिशा में, तो ये सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ होता है। चलिए नहीं है खिड़की, कोई बात नहीं, नहीं सूर्यदेव का प्रकाश रोज आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसका एक अल्टरनेट है। अब इसको अल्टरनेट के तौर पर ही लीजिएगा, यदि सूर्यदेव का प्रकाश डायरेक्टली आपके ईस्ट में पड़ता है, आपके पूर्व दिशा में पड़ता है, तो आपको ये अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उपाय करने की जरूरत नहीं है। रोज 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 सूर्यदेव का प्रकाश अपने इष्ट में, अपने एग्जैक्ट पूर्व में, पूर्व की दीवारों पर, पूर्व की जगह के जो टाइल है, जो जमीन है, जो एरिया है, उधर तरफ सूर्यदेव का प्रकाश आने दीजिए, रोज आने दीजिए, कोई बिल्कुल भी उस जगह को ढक कर मत रखिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर क्या किया जाए, तो फिर एग्जैक्ट जो पूर्व दिशा होती है वहां पर एक तांबे के सूर्य देवता, हाँ तांबे के सूर्य देवता मिलते हैं मार्केट में, मिल जाएंगे आपको, तो तांबे के सूर्य देवता करीब करीब जमीन से करीब करीब 6 फीट ऊंचाई पर आप जो है उन्हें टांग दीजिए। कोई चिपकाने का कुछ हो, कील मत ठोकिएगा, कुछ चिपकाने का हो तो उसको चिपका करके और फिर सूर्य देवता को उसके ऊपर हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए वहां पर 6 फीट की ऊंचाई पर, ये भी बहुत अच्छा। अच्छा सूर्य देवता का एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सूर्य देवता जो है वो ऐसे, मतलब कई कई जगहों पर मैं देखता हूँ सूर्य देवता का फेस ऐसा होता है, मतलब वो खुद ही अपने आप में दुखी है, तो ऐसे ना लाएं। यदि मुस्कुराता हुआ फेस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मुस्कुराता तो कम से कम न्यूट्रल फेस हो, कभी ऐसा फेस मत लेकर के आना जिससे आपको लग रहा है कि सूर्य देवता बड़े बड़े वेदना में, बड़ी समस्या में है, ऐसा मतलब काला पीला ऐसे नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा कांसे, सॉरी साफ सुथरा तांबे के सूर्य देवता होने चाहिए। हाँ उन्हें आप धो भी सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं, तो उन्हें आप जो है 6-7 तो खैर ज्यादा हो गया, लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर, जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर आप जो है वो टांग दीजिए। ऐसा करना भी आपके कुंडली के सूर्य को मजबूत करता है, साथ ही साथ वास्तु के दृष्टिकोण से आपकी पूर्व दिशा को और ज्यादा बैलेंस्ड करता है, मजबूत करता है। इसी के साथ साथ पूर्व दिशा में हरा रंग यदि हो, पूर्व दिशा की जो दीवार है, टाइल्स है, है ना, वहां पर यदि हरा रंग है तो ये सर्वोच्च होता है, बहुत अच्छा होता है, तो हरा रंग जो है वो आप पेंट कर दीजिए। अब हरे रंग के सबसे ज्यादा क्या होते हैं, तो हरे रंग के होते हैं प्लांट, हरे रंग के होते हैं पौधे, है ना, तो हल्के हल्के, देखो भारी भारी तो मैं मना कर दिया, तो भारी भारी बड़े बड़े गमले लेकर के आप आ गए, है ना, और उसमें आप बड़े बड़े पौधे उगा रहे हैं, ऐसा ना करें, बहुत हल्के हल्के आप जो है वो हरे रंग के गमले, गमले भी जो हो उनको रंग कर दीजिए, ग्रीन रंग कर दीजिए, और या तो क्रीम कलर भी कर सकते हैं उनके ऊपर, तो क्रीम या फिर ग्रीन रंग के जो गमले हो उन्हें आप जो है वहां पर अपने इष्ट में रख सकते हैं, और जो वो पौधे हो वो हरे भरे और फले फूले पौधे हो, ऐसे आप लेकर के, नर्सरी में मिल जाते हैं इजीली, उन्हें आप लेकर के आए और उन्हें फिर बिल्कुल समय समय पर जल दें, समय समय पर पानी दें, और फिर वो जितने खिलेंगे, जितने हरे भरे होंगे, जितने बड़े होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कहते हैं कि भाई हमारा बेडरूम है वहां पर, तो आप गमले कहाँ से लेकर के आए,
हाँ इंडोर प्लांट भी लेकर के आएंगे तो वहां कैसे रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आप जो है आजकल वॉल आर्ट होता है ना, वॉल आर्ट मतलब हमें बहुत सारी ऐसे आर्ट्स मिल जाते हैं जिसमें हम मनी प्लांट या ऐसे कुछ भी पौधे वौधे को जो है वो चिपका सकते हैं, तो ऐसा भी आप चिपका दीजिए अपने उस वॉल पर, अपने एग्जैक्ट ईस्ट की वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट की वॉल पर। अब ईस्ट की वॉल बहुत बड़ी है तो आप छोटे से बिल्कुल सेंटर में उसे आप लगा सकते हैं, एक 2 फीट का जो है जगह देख लीजिए कि कौन सा एग्जैक्ट ईस्ट आता है और उसमें लगा दीजिए। एग्जैक्ट ईस्ट कैसे पता करते हैं, तो घर के बीचों बीच चले जाइए, पूरा जो घर है, पूरे घर की बात कर रहे हो, रूम की बात नहीं कर रहा, घर के पूरे बीचों बीच खड़े हो जाइए, अपना मोबाइल निकालिए, उसमें कंपास निकालिए और ऐसे छाती पर लगा कर रखिए। अब छाती पर लगा करके आपने रखा है तो अब इसमें देखिए कि 90 डिग्री कहाँ दिखा रहा है, जहां पर भी 90 डिग्री दिखा रहा है वो ईस्ट होता है, तो 90 डिग्री जहां दिखा रहा है वहां तरफ उंगली दिखिए, बताइए देखिए और थोड़ा इमेजिन कीजिए यदि ये दीवार है इसके पीछे का कोई रूम है तो उसकी कौन सी दीवार होगी, है ना, तो वहां पर जाकर के और फिर उसके करीब करीब 2 फीट का एरिया एक सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर आप जो है ग्रीन चीज लगाइए कुछ भी, तो इससे भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, नाम बढ़ता है, फेम बढ़ता है और गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं और कुंडली के सूर्य अच्छे होते हैं। तो कुंडली के आधार पर सूर्य को अच्छे करने के बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए हैं जिससे कि सूर्य देवता मजबूत होते हैं, लेकिन आज मैंने वास्तु का आपको उपाय बताया कि वास्तु के आधार पर कुंडली के सूर्य को कैसे मजबूत किया जाए। हाँ यदि ऐसा होगा तो गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनेंगे, मान प्रतिष्ठा सम्मान तारीफों के भी योग बनेंगे, कम्युनिटी से मिलने जुलने के योग बनेंगे, आपके मिलनसार होने के योग बनेंगे, नेटवर्किंग बढ़ने के योग बनेंगे। और देखिए हम ऐसे समय पर रह रहे हैं जहां पर हमें सहयोग चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बहुत मैटर करती है। कोई व्यक्ति बोले मुझे प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है तो वो हो सकता है वैरागी हो, परम वैरागी हो, या फिर हो सकता है कि मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं उसका बिगड़ा हुआ हो, है ना, तो केवल दो ही लोग, या फिर बहुत छोटा सा बच्चा है तो खैर उसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो दो ही प्रकार के लोग कह सकते हैं कि मुझे प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं, मुझे तारीफ से कोई मतलब नहीं है, इवन बच्चों को भी तारीफ से मतलब होता है। तो हम सबको तारीफ से मतलब है, हम सबको तारीफ चाहिए, हम सब तारीफ के भूखे हैं, एक्चुअल में भूखे हैं, और उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक उपाय बताया, इवन इससे गवर्नमेंट जॉब के भी योग बने ऐसी पूरी संभावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ, जय श्री सीताराम।